हाय दोस्तों, वेलकम बैक वेलकम बैक टू माय क्रंची वीडियो। देखिए, आज मैं सेलो करने वाली हूँ चूल्हे की मिट्टी। बुनी हुई डिफरेंस है ये चूल्हे की मिट्टी। मैं गांव गई थी ना, वहाँ से लेके आई हूँ मैं चूल्हे की मिट्टी, जो अंदर पोता वाली होती है ना, जो जाती है पोता की, वो वाली है। बहुत अच्छी लगती है, इसे मैं सेलो करूँगी। अब बैग आ गई हूँ मैं क्रंच करने। अब मैं वीडियो बनाऊँगी, क्रंच की ही बनाऊँगी। वैसे वीडियो पे मेरा मेरे व्यूज आ नहीं रहे हैं, सब्सक्राइब सारे कट गए। मेरा मोनेटाइज हुआ हुआ डॉलर बन रहे हैं मेरे, वो सारा चैनल नीचे गिरता जा रहा है। तो कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। चलो मैं इसी से शुरू करती हूँ, सहलू करूँगी मैं इसको। कर लिया सहलू। जो मिलता नहीं है
जो भुनी हुई मुल्तानी है रोस्टेड, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, मैं बस में बैठी हुई हूँ बच्चों के साथ और मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल, अपने गांव। तो आइए चलिए, मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ और आज अपनी ससुराल का सफ़र कराती हूँ आप सभी को। आगे देखिए, चलो चलते हैं। Thank you.
अपनी ससुराल मैं आई हूँ अपने ससुराल गांव में, आपको बताऊंगी ब्लॉग बनाऊंगी तब बताऊंगी आपको। ये जो हमारी रोड है देखी भी जा रहा है मेरा बेटा वगैरह बहुत खुश है गाँव में गया अपने दोस्तों जी बहुत खुश है ना, कैसा लग रहा है गाँव में, अच्छा लग रहा है तुझे क्या बोल रहा बहुत खुश है तो नाचने लगा तो देखिए पहुंच चुकी हूँ मैं अपने घर और गंदा पड़ा था इसलिए तो मैंने आते ही सफाई शुरू कर दी, सफाई अभियान चला दिया आते ही मैंने, सारा घर धोया था मैंने और मेरा बेटा वीडियो बनाया था मैंने, उसने जो वीडियो बनाई थी तो मेरी सास और मेरी माँ है ना वो समझ रहे थे कि फ़ोटो खींच रहा है हमारी सफाई करते हुए, तो अभी थोड़ी देर देखना कितनी चिल्लाएंगे उस पर डांट लगाएंगे। मैं सफाई कर रही थी और ये हमारा खुद का घर है और हम आगरा में तो हम किराए पे रहती हूँ, जो गांव में हमारा खुद का घर है और दीदी की सासुर माँ आ गए हैं तो उसको बहुत डांट लगा रही थी समीर को कि और जी देखिए चीटा निकल आया है इसमें बहुत सारे सांप दो रही थी तो इसलिए चीटा निकल आया जमीन में से तो चीटा दिखा रही हूँ इतनी सारी दीदी चीटा निकल रहा है चीटा फर्स में से और सारा दूध दिया था मैंने आते ही बहुत, मैं सफ़र में भी बहुत थक जाती हूँ मुझे चक्कर वक्कर से आने लगते हैं, चक्कर वॉमिट जैसा होने लगता है मुझे, परेशान हो जाती हूँ, फिर मैंने आते ही सफाई करी करती इसे बहुत चिल्ला रही थी और ज़्यादा मुझे लेने के लिए बना रहा था मुझे बहुत हंसी आ रही थी सच में, मैं बहुत हंस रही थी बहुत डांट रही थी उसको क्या बना है। देखो जो हमारा घर है सारा, जो हमारा कमरा बाहर का जो नल लगा हुआ है हमारे बाहर और मुझे पानी डाला के दे रही थी मम्मी और मैं धोती जा रही थी, मेरी मदद कर रही थी दोनों सास बहू, उन्होंने सफाई करी हमने डाली पीछे मुड़ो वो पानी डाला के पीछे तो मुड़ो हम मुड़ेंगे दादी पीछे मैं होली के लिए अपने ससुराल आई हूँ होली मनाने के लिए और आप सभी की होली बहुत मंगल हो देखिए। और जो मैं छत पे शाम हो गई तो मैं छत पे फ्री हो गई काम से तो छत पे चली गई थी, देखो जो हमारा गांव है छत का व्यू है हमारा, छत पे से दो मंजिल बनना है हमारा घर तो दो मंजिल की छत पे चढ़ गई थी मैं, देखो जी रात शाम का 6:30 बजे का 6:45 हो गए थे हाँ ऐसा उस टाइम का व्यू है जो देखो हमारा गाँव बहुत ही अच्छा लगता है सच में, बहुत बड़ा भी है देखो, तो मैं छत पे हूँ छत पे से व्यू दिखा रहा है कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है छत पे तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो मैं काम से फ्री होती छत पे चढ़ गई थी और
दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करना, बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो देखो मैं खड़ी हूँ छत पे और मुझे यहाँ पर घूंघट करना पड़ता है, मैं अगर हम घूंघट नहीं करती यहाँ पर घूंघट करके रहना पड़ता है। तो बाय दोस्तों।